हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह बयान जारी करेंगे। हसन नसरुल्लाह शुक्रवार को टेलीविजन पर बयान जारी करेंगे। दरअसल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे की तरफ हमले भी तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस जंग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। शुक्रवार को टेलीविजन पर वो अपना बयान जारी करेंगे। और इस बीच इजराइल की सेना पर गाजा में एक और अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगा। इससे पहले 17 अक्टूबर को गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले का आरोप भी इजराइल पर लगा था। और इसी बीच गाजा में अल कुद्स अस्पताल पर हमला हो गया और इस हमले का डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। आरोप लगा कि इसराइल की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक की जिसमें अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिस वक्त हमला किया गया उस समय अस्पताल लोगों से खचाखच भरा था क्योंकि जंग की वजह से वहां बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। उधर गाजा पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में पाकिस्तान में प्रदर्शन किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। लोगों ने झंडा और पोस्टर लेकर रैली निकाली। इस दौरान नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका के विरोध में भी नारे लगाए और गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। बताया गया कि ये प्रदर्शनकारी जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने गाजा पर हमले नहीं रुकने की सूरत में और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिलिस्तीन का साथ देने की अपील की। इसराइल के लगातार हो रहे हमलों से गाजा के हालात बेहद खराब हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं जिससे ये साफ होता है कि लोग संकट की स्थिति में पहुंच चुके हैं और हताशा और निराशा का स्तर गाजा में बहुत ज्यादा हो चुका है। एक तरफ इसराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी इसराइल पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। और हमास के लड़ाके इसराइल की सेना पर रॉकेट से हमला करते नजर आए। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा। हमास का रॉकेट आईडीएफ के काफिले की एक गाड़ी पर गिरा और ये बख्तरबंद गाड़ी तेज धमाके के साथ तहस नहस हो गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो हमास ने जारी किया। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया है। इसराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को फंड रोकने की अपील की है। इसराइल के राजदूत ने कहा कि सभी ईमानदार देशों को संयुक्त राष्ट्र को तब तक फंड रोकना चाहिए, रोक देना चाहिए जब तक पूर्वाग्रह और यहूदी विरोधी भावना बंद न हो जाए।